जी बोलो लोग, दोस्तों को नमस्कार। और हम बताना चाहेंगे, जरूरी सूचना देना चाहेंगे दोस्तों। गंगापुर सिटी से प्राइवेट बस स्टैंड से आपको लाइव दिखा रहे हैं हम। अभी हमने एसटीओ साहब से बात की है, जो कन्फ्यूज की स्थिति है वो खत्म करते हैं आपकी। जितने भी परीक्षार्थी है जो प्राइवेट बस स्टैंड से जाएंगे वो पैसा दे के जाएंगे, अपना किराया दे के जाएंगे। और जो निःशुल्क जाना चाहें, जो रोडवेज बस स्टैंड और गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से बसों की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, वहाँ से 15 बसें लगाई गई हैं, वो जो 12:15 बजे रवाना होंगी। प्राइवेट बस स्टैंड से जितनी भी बसें जाएंगी वो किराया दे के जाना पड़ेगा आपके लिए। गंगापुर सिटी के जो प्राइवेट बस स्टैंड से जो बसें जा रही हैं प्राइवेट दोस्तों, वो आपको किराया दे के जाना ही पड़ेगा आपको। जो निःशुल्क जाना चाहते हैं वो रोडवेज बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड से जो रूटीन बसें चल रही हैं राजस्थान सरकार की जयपुर के लिए, वो वहाँ से आप निःशुल्क जा सकते हैं। या हाई सेकेंडरी से 12:15 बजे के करीब रवाना होंगी हाई सेकेंडरी के मैदान से, वहाँ से निःशुल्क जा सकते हैं। प्राइवेट बस स्टैंड से जो भी बसें जाएंगी वो उसका आपको किराया देना पड़ेगा। हम आपको स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं दोस्तों। अभी हमने एसडीओ साहब से बात की है, एसडीओ साहब की गंगापुर सिटी पोर्टल पर आप देख सकते हैं एसडीओ साहब की इससे पहले की जो हमने लाइव दिखाई है बराबर। प्राइवेट बस स्टैंड से कहीं के भी लिए बस जाएगी उसके लिए आपको बराबर किराया देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क प्राइवेट बस स्टैंड पर नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट बस स्टैंड पर निःशुल्क नहीं है, आपको बराबर किराया दे के जाना पड़ेगा। जो परीक्षार्थी निःशुल्क जाना चाहते हैं, राजस्थान सरकार ने हाई सेकेंडरी के मैदान से व्यवस्था की है बसों की, और रोडवेज बस स्टैंड से की है। और कुछ परीक्षार्थी वे क्या कहना चाहेंगे कुछ यहाँ पर कुछ परीक्षार्थी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ प्राइवेट स्टैंड व्यवस्था करिए, हम 20,000 बालक ले जाओ गहलोत है, बाकी बात व्यवस्था करी जाएगी। अब उनके चक्कर में हमको प्राइवेट बस नहीं मिल रही है, ये बस सुबह से मैं खड़ा हूँ जा रही है लेकिन बहुत कम बस जा रही है, और दिन 8-10 मिनट आप बराबर स्थिति कंफ्यूज को खत्म कर दिया हमने एसडीओ को, एसडीओ साहब से वार्ता भी किया हमने, लाइव भी दिखाया। जो भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते वो प्राइवेट बस से जा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट बस नहीं जा रही और दिन के और दिन जाती है। आप बराबर जो पहले कंफ्यूज में थे कुछ वाले प्राइवेट वाले भी प्राइवेट वाले कंफ्यूज में थे, छात्र ये कह रहे थे कि फ्री जाएगी, जबकि फ्री का प्रावधान यहाँ से नहीं है, प्राइवेट बस स्टैंड से रोडवेज से है। जो भी सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, सब बालक ने बैठा के ले जाए रोडवेज, एक सरकारी है तो इसको बंद ही कराना, तो फिर हम तो पहले भी जाते थे पैसे दे के, और जब पहली बार जाएंगे कई काम नहीं। आप वो क्यों बड़ा बन रहा है ये बोल रहे हैं हम तो। फिलहाल कन्फ्यूज की स्थिति को हमने खत्म किया है। प्राइवेट बस स्टैंड से जो भी बसें जाएंगी उसको आपको किराया लेके जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ उसका तो वो बन रहा है, बच्चों के साथ धोखा दे रहा है बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है, कोई मतलब नहीं है जो डूबे बस वालों ने सब खड़ी कर दी, बस खड़ी कर दी, बस खड़ी कर दी, बस वालों ने बस खड़ी कर दी, बेवकूफ बना रहा है, हर बच्चा पैसे देने में तैयार है, देखो सुविधा नहीं गाड़ी की। अब आपकी प्राइवेट बसें सारी चलाओ आप, ठीक है, बिल्कुल एसडीओ साहब से हमारी वार्ता हुई है, अच्छा। बताया कि जो भी किराया हमारी गाड़ी तैयार खड़ी है, हमारी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एसडीओ साहब पैसे देते हैं पैसे से गाड़ी जाएगी हमारी। आप सवारियों को जितनी जो जाना चाहे आप भेजो, प्राइवेट बस स्टैंड से किराया लेके सवारी, प्राइवेट बस स्टैंड से किराया देके ही हमारी गाड़ी जाएगी, वरना गाड़ी नहीं जाएगी। और कांका से कांका की व्यवस्था है आपकी, आगे जगह की व्यवस्था है हमारे माँ जयपुर जयपुर की व्यवस्था है, कहीं की नहीं है। और दोस्तों हम आपको कंफ्यूज करते हैं, आज त्योहार है दोस्तों, हम प्राइवेट बस स्टैंड से आपको लाइव दिखा रहे हैं ये, और जो कंफ्यूज की स्थिति है वो खत्म कर देते हैं। जितनी भी बसें हैं यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड से जाएगी वो आपको किराया देकर जाना पड़ेगा। जो निःशुल्क परीक्षार्थी जाना चाहें वो रोडवेज बस स्टैंड या हाई सेकेंडरी के मैदान से जाएंगे, प्राइवेट बस स्टैंड को आपको किराया देना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल हम कंफ्यूज हम खत्म कर देते हैं बराबर आपका। अभी हमारी एसडीओ साहब से बात तो हुई है, हमने लाइव भी दिखाया है, एसडीओ साहब से बात की है, और बिल्कुल जो भी प्राइवेट बस स्टैंड से बसें जाएंगी जहाँ के लिए आपको बराबर किराया देना पड़ेगा।
जो निःशुल्क जाना चाहते हैं वो हाई सेकेंडरी के मैदान से 12:15 बजे बसें जाएंगी, स्पेशल बस लगेंगी, और जो रूटीन की रोडवेज बसें जा रही हैं वहाँ से रोडवेज बस स्टैंड से भी जा रही हैं। प्राइवेट बस स्टैंड से जो भी प्राइवेट बसें जाएंगी बराबर आपको किराया देना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर कर देते हैं हम आपको, हमने अभी एच डी साहब से वार्ता की है, कन्फ्यूज की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हमारे भी जब तक आदेश नहीं है हम तो पैसे देके भेजेंगे गाड़ी। बिल्कुल एच डी साहब से हमारी बात तो हुई है, आप बसें चलाएं बराबर, भेजें परीक्षार्थियों को, किराया लेके आप भेज सकते हो बराबर। अभी तो बंद कर रखी हमने, अब चालू कर, अब जो आपने बंद कर रखी है बसें बराबर निकालो, क्योंकि परीक्षार्थी पैसा देना चाहता है, भीड़ भाड़ में क्यों बसेगा वो? बसेगा, सही बात है, हम बच्चे की सुविधा के लिए हम बस भेजे, ठीक है। और कहाँ कहाँ के लिए? अलवर के लिए, जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, हिंडौन, करौली के लिए हम बस भेज रहे हैं सब जगह। दोस्तों हम सारे परीक्षार्थियों से निवेदन करना चाहेंगे प्राइवेट बस स्टैंड से अलवर के लिए भी, अलवर के लिए भी, अलवर, माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, हिंडौन, जयपुर, जो भी परीक्षार्थी दोस्तों बराबर यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड पर अच्छी सुविधा दी गई है और अब सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और जो निःशुल्क जाना चाहे खाली जयपुर के लिए वहाँ पर व्यवस्था है, हाई सेकेंडरी से 12:15 बजे रवाना होंगी जो 12:15 बजे बसें आएंगी, और रोडवेज की जो रूटीन बसें हैं वो बराबर रोडवेज बस स्टैंड से जाएंगी। बिल्कुल प्राइवेट बस स्टैंड से जो भी बसें जाएंगी बराबर आपको किराया देना पड़ेगा। बिल्कुल स्थिति हम क्लियर करते हैं, परीक्षार्थियों से निवेदन है बस वालों से प्राइवेट वालों से ना भिड़ें, बराबर किराया दे के जाएँ, कभी भी प्राइवेट बस वाले अलाउ करेंगे, और जो पहले से बंद कर दी थी, कन्फ्यूज की स्थिति थी, इसलिए अब प्राइवेट अब चालू कर देंगे, प्राइवेट बसें अब बराबर चालू कर रहे हैं, चालू करती है। दोस्तों देख रहे हैं बराबर अब यहाँ से जयपुर भी जा रही है और सवाई माधोपुर रवाना की जा रही है। नहीं दोस्तों गंगापुर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड पर दिखा रहे हैं हम आपको बराबर, जो भी प्राइवेट बस स्टैंड पर बसें जाएंगी वो आपको बराबर किराया देके जाना पड़ेगा, और जो निःशुल्क जाना चाहते हैं जो भी परीक्षार्थी वो गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से जा सकते हैं, गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से स्पेशल बसें लगाएंगे, वो 12:15 बजे रवाना होंगी, हाँ 12:15 बजे रवाना होंगी, और जो भी प्राइवेट बसें जाएंगी वो आपको बराबर किराया देके जाना पड़ेगा। प्राइवेट बस स्टैंड से कोई निःशुल्क व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट बस स्टैंड से जो भी बसें प्राइवेट जाएंगी उसका आपको किराया भाड़ा देना पड़ेगा, और जो निःशुल्क जाना चाहते हैं सरकार ने 12:15 बजे गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से व्यवस्था की है, और रोडवेज से भी की है, जो रूटीन बसें जा रही हैं वो भी वहाँ से हैं, दो जगह निःशुल्क व्यवस्था है, बाकी प्राइवेट बस स्टैंड से आपको किराया देना पड़ेगा। एसडीएम ने पहचान सुन ली हमारे कॉलेज भी सुनी, कैलकुलेटर लिए थे, कैलकुलेटर भी दिखाई आपने, बात तो हो दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल हम आपको कंफ्यूज खत्म कर देते हैं, प्राइवेट बस स्टैंड से आपको किराया देकर जाना पड़ेगा, और जो निःशुल्क की व्यवस्था की है बसों की वो गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से 12:15 बजे रवाना होंगी, और प्राइवेट बस स्टैंड से सभी जगह के लिए बसें जा रही हैं, किराया भाड़ा देकर आप जा सकते हो बराबर। प्राइवेट बस स्टैंड पे बराबर किराया लगेगा, परीक्षार्थियों से हमारा निवेदन है प्राइवेट बस स्टैंड वालों को किराया देके जाएं, तभी बसें जाएंगी, और अब यहाँ से बसें भी रवाना हो गई है, परीक्षार्थियों से निवेदन है किराया देके आप जा सकते हो, जो निःशुल्क यात्रा करना चाहें तो गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से बसें 12:15 बजे निकलेगी, और रोडवेज बस स्टैंड से जो रूटीन की बसें चल रही है वो रोडवेज बस स्टैंड से भी जा रही है, जो कि प्राइवेट से सारी बसें जा रही हैं वो किराया देना पड़ेगा आपको। रोडवेज की बस 12:15 बजे लगेगी, हाई सेकेंडरी मैदान से स्पेशल बस लगेंगी, प्राइवेट में सारी बसों को आपको किराया देना पड़ेगा। और सभी जगह के लिए प्राइवेट बसों की व्यवस्था है यहाँ पे, और जो निःशुल्क जाना चाहे वो गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान और रोडवेज बस स्टैंड पर जा सकते हैं।
प्राइवेट बस स्टैंड पे आपको भाड़ा लेके जाना पड़ेगा।